घोड़े को रोज रोज नहीं तो हर 2-3 महीने में अलग जगह बांधना शुरू करें। 1-2 किलोमीटर दूर आपके अगर फ्रेंड की कोई फार्म पे जगह है तो घोड़े को सुबह से शाम वहां बांधो, वहीं दाना खिलाओ, शाम को वापस वहां से लेकर आओ और आप भी वहीं रहो। तो इससे क्या है, घोड़े का एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी मालिक के प्रति। तो घोड़े को कभी भी एहसास नहीं होगा कि यार मेरे को मेरे मालिक ने बेच दिया या मेरा मालिक मेरे को छोड़ के कहां जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। अब जैसे घोड़ा सुबह 4 लीटर दूध पिलाया, उसके बाद में मूंग मोठ चने है, आलमंड ऑयल। अब जैसे मेरे से पूछते हैं कि आशु भाई आप, मैं प्रदीप भाई इनको ना बादाम का दूध भी पिलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब जैसे गर्मी आ रही है तो कोकोनट होते हैं ना नारियल जिसको बोलते हैं, उन नारियल को क्या करता हूँ प्रदीप भाई, मैं मिक्सी में पीसता हूँ नारियल को। ठीक है, फिर उनको अच्छे से क्रश करके उनको दबा के उनको छानता हूँ, तो उसमें से ना कोकोनट मिल्क निकलता है। ओके, वीगन। ठीक है, वो मैं 100 ग्राम भी सर्व करता हूँ ना तो घोड़े के पेट में ठंडक रहती है। घोड़े का टेम्परामेचर एकदम स्टैंडर्ड तरीके से इक्वल रहता है, घोड़े के बालों की शाइनिंग अलग रहती है, मेरे को ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होती है। इन गर्मी में ठंडक के लिए ना बादाम का दूध, इनके ऑयल भी आते हैं प्रदीप भाई। okay. ये मार्केट में भी मिलते हैं, अपन मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीका अगर अपन घर पे यूज करें देसी, तभी घोड़ा लंबा जिएगा। अगर आपने मार्केट का प्रोडक्शन इनके ऊपर यूज किया और अगर ये उसके एबिचुअल हुए और जैसे ही आप उस चीज को छोड़ोगे तो घोड़े के अंदर की जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगी। सबसे पहले तो आदमी को ये समझना है कि घोड़े का जो डाइजेशन है वो बिल्कुल कमजोर है। अभी बीमार आदमी कैसे होता है प्रदीप भाई, तो उसको कैसी चीज सर्व करते हैं अपन, विटामिन वाली, मिनरल वाली और बिल्कुल लाइट, जो इजीली सबसे जल्दी जाके डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, आइसोलेट रो, समझ रहे हो, अपन उसको गेनर तरीके का डाइट नहीं देंगे, वो जाके जो स्टक हो जाए उसको घोड़े को पचाने में समय लगे। कभी भी ध्यान रखना, अब डाइट का कैसे पता करें, घोड़े को अगर अपन दाना दे रहे हो और घोड़े ने दाना खाते ही लीड कर दी तो इसका मतलब समझ लेना कि घोड़े को अभी इतना हेवी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, और घोड़े को अगर आपने लाइट दाना दिया और घोड़े ने 1-1.5 घंटे बाद में लीड करी है तो इसका मतलब समझ लेना आपका दाना दिया हुआ घोड़े को अंग लगा है, एक्सेप्ट। ठीक है, और दूसरी चीज, तीसरी चीज, घोड़े को कभी भी थान भरकर दाना ना डाले। घोड़े को 5-7 किलो दाना एक साथ ना डालें भाई, 4-5 किलो कुट्टी हो गई, 2-2.5 किलो दाना हो गया, अब उसमें पानी का छींटा मारा अपन ने, मिक्स करा और वो डाल दिया, पूरा भर दिया, वो नहीं। वो कब, जब घोड़ा 20 किलोमीटर रोज चलने वाला हो और उसको एक ही टाइम सर्विंग मिलती हो वैसे दाने की, बाकी वो हरा चारा खाता हो, तब उसको दे सकते हैं। अब लोग बाग क्या करते हैं प्रदीप भाई, सुबह सुबह घोड़े को थोड़ा सा बाहर निकाला, लड़के से पेडक साफ करवाया, घोड़े को निला दिया या खुर्रा मालिश करी या करी या नहीं करी, घोड़े को वापस बांध के फुल ऑफ दाना दे दिया, दोपहर को चारा दे दिया, शाम को फिर दाना दे दिया। इससे क्या होगा पता है, देखो मैं सीधे रहा बेटा, इनके आगे चुके जो लिगामेंट देख रहे हो, आ गया, बस यही खड़ा हो, बस बेटा बस इधर मुंह करो, बस यहीं पे। अब ये देखो, ये जो लिगामेंट देख रहे हो, मैसी एक जगह खड़ा हो, इनके ऊपर जोर पड़ना शुरू हो जाएगा। जब इन पे जोर अगर बचपन से पड़ना शुरू हुआ, आपका घोड़े का जो मेन चेचिस था वो हो गया खत्म, डैमेज। अब जैसे कार है, कार जिस चेचिस पे टिकी हुई है अगर उसमें काट खा जाए तो फिर दिक्कत ही आ जंग खा जाए अगर कार, अब उसकी बॉडी लाइन कितनी खूबसूरत हो, इंटीरियर कितना ही अच्छा हो, उसकी अगर मजबूती खत्म हो गई हो तो आपकी सेफ्टी खत्म है, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ये चीजें घोड़ा बनाने से पहले ये चीजें बचपन से ही ध्यान रखनी होती है, और जब अपन बचपन से ही इनको लाइट डाइट सर्व करते हैं तो अपना घोड़ा बेहतरीन तैयार होता है। बिल्कुल समझो, अब मैं कहूंगा कि घोड़े को ना 12 महीने दलिया ना दे, 20%। ठीक है, हमेशा घोड़े को 4-5 तरीके का धान मिक्स करें और ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ मिक्स ना करें, कम कम थोड़ा, 40-50 किलो भाई। अपन ने 7 किलो जौ का दलिया ले लिया, 8-9 किलो जौ का दलिया ले लिया, 15 किलो चने की चूरी ले ली, सोयाबीन की चूरी ले ली, थोड़ी बाजरी ले ली, क्या काफी चीजें हैं, मोट मूंग को भी आप थोड़ा सा प्रेस करके उनको दल सकते हो, वो ले लिए, काले चने उनको दल लिया, ठीक है, उन सबको मिक्स कर लिया। ठीक है, अब घोड़े की सर्विंग देखो, अगर कोई आदमी 6-7 तरीके का धान अगर 40 किलो का वो बनाता है उसके लिए बाकेट, अब उसके कटोरे का साइज ये ले ले, क्या ले ले वे? ये ठीक है, अब वो एक कटोरा जो खा रहा है ना वो इनफ है, क्या है वो इतना सफिशिएंट। अब वो इतनी सी कटोरी दिन में 5 बार सर्व करनी है, 4 बार सर्व करनी है, कितनी बार सर्व करनी है, 4-5। वो जो इतना सारा दाना दे रहे हैं ना उसको रूटीन में सर्व करना है। ठीक है,
और रूटीन में सर्व करते करते घोड़े के साथ में समय बिताना है, किस्तों में देना है, घोड़े के दिमाग को पढ़ के प्रदीप भाई ये सब कुछ किया जाता है। हर घोड़े के साथ में अपन पुराने घोड़े की तरह बिहेव नए घोड़े के साथ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, उन दोनों का बिहेवियर जैसे अपन आदमी है ना यार, अपनी चॉइस अलग है, कुछ चीजें ऐसी होती है वो दोनों को ही पसंद आती है, कुछ चीजें ऐसी होती है पसंद तो है लेकिन अभी आपका करने का मूड है मेरा नहीं है। तो ये घोड़े की स्टडी ये होती है, घोड़े को समझना आना चाहिए। ऐसे ही लगाम को अभी जैसे वर्दी भाई मेरे पास बच्चा आता ना, अभी जैसे मैसी है, अभी तक मैं इसको मैंने इसके ऊपर सबसे पहले लगाम डाली जब ये 16 महीने 15 महीने का हुआ। बिल्कुल, लगाम क्यों डाली, क्योंकि जैसे ही अगर अपन इसको होल्टर में निकाल रहे हैं या इसके नॉर्मल थान मोरे में अपन बाहर निकाल रहे हैं तो घोड़ा क्या कर रहा है, धूम करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैनर्स सिखाने के लिए, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, ना तो अपने लगे ना घोड़े के लगे, तो इसको लगाम डालना परफेक्ट रहेगा। तो बिगिनिंग में अपन घोड़े को सिंपल बिट डालेंगे, कौन सी बिट डालेंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, फिर अगर घोड़ा जब धीरे धीरे दो दांत होता है, घोड़ा अगर आपको एग्रेशन बता रहा है, उस बीट में कंट्रोल नहीं हो रहा है, घोड़ी को देखने के बाद में खड़ा हो रहा है, मारने की कर रहा है, आपको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश अगर कर रहा है, और या वो खुद को आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा घोड़ा स्लिप हो सकता है, मेरे घोड़े के लग सकती है, जब वो आपके उस प्लेन बीट से कंट्रोल ना हो रहा हो, समझ रहे हो, तब आपको उसको थोड़ी सी खुरदुरी लगाम डालनी पड़ेगी, हल्की सी कांटे वाली। जब आप वो लगाम डालोगे तो घोड़ा फिर आपके इशारे पे आना शुरू हो जाएगा। अब लोग बाग देखते हैं कि यार ये कांटों की लगाम मुंह में लगा रहा है, यार कांटे की लगाम मुंह में लगाने का मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह से खून निकलेगा इनका। अब एक चीज और बताऊं, देखो प्रदीप भाई, जहां पे इनके लगाम लगती है ना, ये बचपन में इनकी चीज होती है नाजुक। ठीक है, अब इस चीज को पकाना पड़ता है। अगर आपने समय पे घोड़े के लगाम लगाई है और आपने फर्स्ट बीट से लेके चार बीट तक अगर आपने इसके घोड़े के मुंह में यूज करिए, चार दांत तक धीरे धीरे बढ़ती है। देखो अभी मेरी फर्स्ट बीट चलेगी इसकी 30 मंथ तक। बिल्कुल, प्लेन बीट इसको मैं कब तक यूज करूंगा, जब ये दो दांत तोड़ के और पकाना शुरू कर देगा, है ना, उसके बाद में मैं सेकंड बीट शुरू करूंगा, जब कवरिंग के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, तो ये इस बीट पे कंट्रोल थोड़ी आएगा, वो टेम्परामेचर का ही फर्क। कुछ घोड़े होते हैं प्रदीप भाई, वो थान मोरे में भी घोड़ी को ब्रीड कर लेते हैं, वो ठंडे टेम्परामेचर के घोड़े हैं, जो गर्म घोड़े होते हैं तो उनको एक उनके स्केल के साथ चलना होता है। ठीक है, उनके इक्विपमेंट्स के साथ उन वो जो रिकमेंड करते हैं उनको जिस समय जो चीज जो इक्विपमेंट चाहिए वो उसी समय देना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, और अगर अपन उस समय नहीं दे रहे हैं तो घोड़ा फिर थोड़ा सा समझने में समझाने में बिहेवियर में थोड़ा सा रूडली हो जाएगा, देने लग जाएगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा रूडली हो जाएगा, उस समय आदमी फिर बेत उठाता नजर आएगा। घोड़े को तीन चीज से कंट्रोल किया जाता है प्रदीप भाई, देखो लगाम लगाकर, घोड़े को थकाकर और फिर पुचकार कर, ये तीन तरीके हैं। अब इसमें से अगर एक भी तरीके में आपका पेशेंस, आपका करने की क्रिया या आप जिन संसाधनों से कर रहे हैं अगर उनमें इतनी सी भी कमी है तो घोड़े में कमी आएगी। बिल्कुल, अब सेकंड बीट में इसको थोड़ी सी कांटे वाली कब यूज करूंगा, थोड़ी सी हार्ड वाली, जब ये दो दांत का होगा। ओके, जब ये 32 महीने 33 महीने का ये घोड़ा होगा तो नर को देख के ये खड़ा होगा, अपने मैनर्सलेस एक्टिविटी करेगा, तो उस समय अपन चाहते हैं कि मैनर्सलेस ना हो। अगर घोड़ा खुला है तो ऐसी एक्टिविटी करे, ठीक है, ठीक है, लेकिन जब घोड़े को अपन ने पकड़ रखा है, सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस समय घोड़े के लिए जिस समय वो जो बिट उसको डालनी है वही डालनी पड़ती है। अब जब इसको राइड देंगे प्रदीप भाई, तो क्या आपको लगता है 4 साल का जवान घोड़ा जिसको प्रतिदिन काम मिल रहा हो, जो प्रतिदिन इतना दूध पी रहा हो, जो प्रतिदिन घी खा रहा हो, वो आपको लगता है कि वो बैठते ही नॉर्मल आदमी उसको सवारी में कर लेगा? नहीं, तो उन लोगों के लिए क्या प्रदीप भाई, उनको ट्रेनर बुलाने पड़ेंगे, उनको 40 से 50 हजार रुपए उन ट्रेनर को देने पड़ेंगे प्रदीप भाई। और ट्रेनर का काम ऐसा होता है प्रदीप भाई, जो इसमें लगता है ना आदमी, ये उसी की बात मानते हैं, बाकी दूसरे की तो कैसे तो कुछ हैबिट्स ऐसी है कि अगर उसने डाल दी तो आपको उम्र भर उसी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और अगर आपने सिस्टमेटिक स्किल्स, स्कूल का जो सेक्शन साइज होता है, अगर आप उस तरीके से बढ़ेंगे तो आपको किसी ट्रेनर को बुलाने की या आपको आपको किसी का ट्रेनर की बात नहीं करें, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, जब घोड़े का हर काम आप कर रहे हैं तो आप ही घोड़े को राइड दे सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, सब चाहिए। तो आएगा कब, जब आप सीखेंगे किसी को धीरे सुनकर, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार ना बने,
अगर आपको नॉलेज है तो वो लोगों में बांटें, किसी के ऊपर इल्जाम लगा के उसको कंबाइन करके कंपेयर ना करें। देखो किसी भी घोड़े को दूसरे घोड़े से कंपेयर नहीं करना चाहिए प्रदीप भाई, हर घोड़े का अलग होता है, अलग अलग है भाई, हर घोड़े का एक ब्रीडिंग से अलग होता है, हर घोड़े का एक मालिक के साथ में व्यवहार अलग होता है, समझ रहे हो। कई घोड़े को ऐसे होता है प्रदीप भाई, मेहमान आने से कोई घोड़े खुश होते हैं, कुछ मेहमान आने से घोड़े नर्वस हो जाते हैं। जिस घर में घोड़े बिकते रहते हो, आते जाते रहते हो, तो उस स्टेबल में घोड़े समझना शुरू हो जाते हैं, हाँ कि भाई हमारी भी बोली लग सकती है, हमारी भी बोली, तो उनका बिहेवियर अलग होगा। जिस घर में 7 साल से एक ही जानवर एक ही जगह बंदे हैं, रोज घूमने जाते हैं, रोज आते हैं, उसके घर में मेहमान आएंगे, वो हाथ लगाएंगे, तो घोड़े का टेम्परेचर एकदम से स्टैंडर्ड तरीके से रहेगा। घोड़े को कभी भी अकेला ना रखें, घोड़े को कोई पास में कोई ना कोई रखे, मतलब घोड़े को जैसे ही, अब जैसे मेसी इस उम्र में आ रहा है, तो अब मैं मेसी को बाहर बांधता हूँ दोनों पछाड़ियों में, और मेरा जो टूरिज्म आता है मैं उसको इसके पास में विजिट कराता हूँ। तो ये मारवाड़ी में बोलूं मिनके आवड़ा कर दो, आदतन इसको इंसानों की आदत होनी चाहिए, इधर उधर अगर कोई अनजान हाथ लगाए तो उसको आदत होनी चाहिए, घोड़ा गर्म नहीं होना चाहिए, लात नहीं मार दे। तीसरी चीज परवरिश में क्या होता है प्रदीप भाई, परवरिश में ही डिपेंड रहते हैं घोड़े के सारी एक्टिविटियां, घोड़े के हर आदत, ठीक है, परवरिश से ही घोड़ा कान दबाना, काटना, लात मारना, पीछे गिरना, सवार के बैठने के बाद में उल्टा गिरना, घोड़ी को देख के टेढ़ा चढ़ जाना, ये सब परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है, सब परवरिश के ऊपर। अब जो ट्रेनर है प्रदीप भाई वो कैसे सीखे, उन्होंने घर के घोड़े तैयार करें जब ही तो काम डालना सीखे, वो तो है। ऐसा थोड़ी ना कि तीसरे का घोड़ा है वो रिस्क लेगा क्या, वो रिस्क क्यों लेगा तीसरा है? समझ रहे हो, अभी जैसे प्रदीप भाई मेरा घोड़ा है ना, मैं हर किसी आदमी को ना इसकी लगाम नहीं पकड़ाता हूँ, मैं हर किसी आदमी को मेरा घोड़ा हाथ में नहीं देता हूँ, जलेगा नहीं ना भाई, क्योंकि उसको थोड़ी पता इसकी आदत क्या है, देना भी नहीं चाहिए क्या देना। राइडर जिस घोड़े पे आप राइड कर रहे हो, तो अनजान आदमी को या आपका कोई घनिष्ठ फ्रेंड है जो समय बिताता हो, वो जो ग्रूमिंग करता हो घोड़े की, वही घोड़े को घुमा सकता है, और उसी के साथ में घोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा जो उसके मालिक के साथ में प्रतिदिन उसके साथ में एड है। अब सडनली कोई दूसरा राइडर है वो भी जानता है, अपन ने उसको लगाम दे दी, ये खराब है, इसमें घोड़े में कई बार चिड़ पड़ जाती है अंदर, वो हर किसी को समझ में नहीं आती घोड़े की। देखो राइड ड्राइविंग वकालत डॉक्टरी और ये घोड़े का, इसमें कोई नहीं कह सकता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मैं उस्ताद हूं। ये रोज नया लेसन देते हैं प्रदीप भाई, बिल्कुल ये रोज नया लेसन देते हैं। थैंक यू आशु भाई, इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी थैंक यू घोड़े के बारे में देने के लिए। थैंक यू प्रदीप भाई।